दुनिया के हर थिएटर में सिंगर हीरो की परछाई होता है। आवारा हूँ तैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। लेकिन ये दुनिया का एक लौता ऐसा थिएटर है जहां सिंगर ही हीरो होता है। सिंगर्स का हौसला बढ़ाने के लिए विशाल दंडानी और कुमार शानू के साथ जुड़ेंगी द आइकॉनिक पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति। थिएटर राउंड में मैं नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी मुझे ऐसे एक इंसान को देनी होगी जिसने मुझे मेंटर किया, तो मुझे लगा कि मैं ये रिक्वेस्ट कविता जी से करूं। मैंने क्या उसको सिखाया? कुछ भी नहीं, पर उसका ये बोलना उसका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच एंड श्रेया, आई लव यू फॉर द वे यू आर। थैंक यू सो मच। आप क्या गाने वाले हो आज? रांझण पे यार भूलिया। सुकून का जजीरा मिल न पाए, वेकी करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वेकी करा मेरा। तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलाया, परवरदिगार बुलाया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, राजन दयार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया, तू ही तो यार बुलाया मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, मैं ताहू पगडंडी लब दी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा राजन दयार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया, तू ही तो यार बुलाया मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलाया, परवरदिगार बुलाया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। पावर आपकी आवाज में बहुत है, आपके इरादे बहुत कड़क, मतलब यू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग इस जॉनर में। रॉक परफॉर्मेंस दिया आपने, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। चौथा जज ने तो तेरे को लेट कर दिया, तो रिजल्ट बाद में बताते हैं। सबसे पहले तुम कविता जी को अपना निकनेम बताओ। किंगिनी। किंगिनी, अच्छा किंगिनी का मतलब क्या होता है? जो आवाज हो।
आपका पेट नेम क्या है? मेरा नाम तो छाना है, बोल सकते हो। छाना मतलब बंगाली में पनीर होता है ना? हाँ। इनको देखकर पनीर लगता है क्या? मैं फटने वाला छाना हूँ। दूध फट के छाना बन के मैं हाजिर हूँ। चलो क्या गाओगे? है रामा। हाय रामा, नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस। क्या बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्सेलेंट। वाह वाह वाह। मुझे तो इसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है। ऑडियंस, हमारे पूरे भारत से जो लोग हैं, आपको तो लिट दे चुके हैं। परफेक्ट सिंगिंग, मतलब माय गॉड, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू। एक एक तुमने बीच में कुछ ऐसे से गूगली जगह लिए ना, जो टान हो रहा है गला। मतलब वंडरिंग कैसे तुमने गाया इतना मुश्किल। शुरू का सरगम एक बार करके सुना। आइए अगले कंटेस्टेंट को पेश किया जाए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपका नाम क्या? आद्या मिश्रा। आद्या,
गेट मत बंद करना. Your name? Adya Mishra. Adya Mishra is here, sir. Actually, I've missed my flight to come for the auditions and the next flight is delayed. Isiliye I'm sending a voice note to you. Adya Mishra, andar jao, andar jao. Okay, okay, okay. Come, come. जब आप लगा लगा रे नमक रिस्क का है तेरे रिस्क का. एक बार आप फटे हुए जीन्स में आती हैं और एक बार आप ऐसे मतलब साड़ी में पहचाने क्या कैसे? मतलब मैं जेन्युइनली मैं पहचान ही नहीं पाया. प्लीज फॉरगिव मी सर. जब मैं गाऊंगी तो मेरी आवाज से आप पहचान लेंगे. ए मेरी आवाज ही पहचान है कर याद रहे. बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट था. याद रहना जरूरी है. आपको गोल्डन माइक मिला था ना? हाँ जी सर. आपने तो फ्लाइट भी मिस किया था. बहुत डांट पड़ी पापा से तो एज यूजुअल कि पैसे तो पेड़ पे उगते हैं. जब फ्लाइट कराता हूँ हमेशा लेट हो जाती है. मतलब वो तो मैंडेटरी है बट वो तो मैंडेटरी है. आप ऐसे हल्के में मत लीजिए अपने पिताजी. गोल्डन माइक देखने के बाद सर बताती हूँ. अभी तो मेरा इंस्टाग्राम पेज फ्लड हो गया मैसेजेस से. साक्षात जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को वो आप हो खुद हो. थैंक यू सर. नर्वस तो मैं नहीं हूँ लेकिन फोर्थ जज आने के बाद टफ होगा क्योंकि ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है कि मैं जजेस के साथ और ऑडियंस के साथ गा रही हूँ. नमस्ते मैम. कविता मैम आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं. थैंक यू सो मच. जो तुमने इतना अच्छा सूट पहना खुद खरीदा? जी मैम मैं खुद शॉपिंग करती हूँ. जो सामान मैं लेती हूँ वो मुझे पहन के ही वो अंदर दिखना पड़ता है. मतलब अंदर से फील आने चाहिए कि मुझे कैसा दिख रहा है. बहुत अच्छा है. वेरी नाइस वेरी नाइस. ये कलर भी बहुत अच्छा है. हाथ में तीन तीन बैग है क्या है ये? एक्चुअली आज मैं अपने लिए शॉपिंग में गई थी तो मैंने सोचा कि मेरे सर मैम लोग भी इधर हैं तो फिर आप लोगों के लिए भी मैंने कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ. कमाल की लड़की हो क्या बात है. ये विशाल सर के हैं. आप लोगों को ही खोल के देखना पड़ेगा. और ये है मैम के और ये सानू सर के. ये देखिए उसमें एक मेरे साई की स्टैचू भी है. मेरे हाथ में भी साई है. थैंक यू मनीषा. थैंक यू. थैंक यू. सिंग वेल. Oh,
हम सब आपके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। थैंक यू सर। आपकी आवाज में जो सरलता है, जो खूबसूरती है, जो तैयारी है, थैंक यू सर। मैं बस आपसे ये फिर से कहना चाहता हूँ, जब भी आप मुझे सुनाई देती हो, मुझे लगता है कि म्यूजिक से मेरी फिर से मुलाकात हो रही है। तुम्हें देखती हूं। योर वॉइस डिफाइंस म्यूजिक फॉर मी। आप में जो शक्ति है ना, वो दूसरों से 100,000-10,000 गुना ज्यादा है। थैंक यू। मैं आपके मैंने कहा जी सर, बाकी सिंगरों के जिंदगी में संगीत आता है, बट तुमने संगीत में जिंदगी डाल दी। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। और जज जो है वो लोग तो तुम्हें लिट दे ही दिया, रिजल्ट जो है ना वो हम तुम्हें थोड़ी देर में बताते हैं। जी सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कोई कोई जगह ऐसा ले रहा है ना, कैसा चीर देते हैं एकदम। इस गर्ल इज अनबिलीवेबल। अगला कंटेस्टेंट आ जाओ। नमस्कार। अरे हाँ, साल क्यों वेट किया, ये तो हमें पहले ही सुनना चाहिए था मुस्कान को। मेरे मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की वजह से और भी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से वो अलग रह रहे हैं। बस इतनी सी मेरी कोशिश है कि मैं इंडियन आइडल के थ्रू आगे चल के हम सब साथ में दोबारा रह पाए। मम्मी जी आई हैं आपके साथ? नहीं सर, आज नहीं आई हैं। आज नहीं आई हैं, क्यों? एक्चुअली वो पिछली बार भी आई थी तो वो अपनी जॉब छोड़, मतलब जॉब से छुट्टी लेकर आई थी। अच्छा। और अभी घर में कोई है नहीं जो संभाल पाए तो उनको जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, आप तैयार हो तो शुरू हो जाओ। सर मैं 2 मिनट ले सकती हूँ। okay? थोड़ा सा डरी हुई हूँ मैं बस। क्यों? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अभी इंडियन आइडल की वजह से मैं पहली बार ऐसे इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। मुझे पता है उनके पास अभी पैसे नहीं है वहाँ पे मुझे देने के लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि तुम करो, अगर कोई पैसे की ज़रूरत होगी मैम मुझे बताना, मैं करूँगा, कहीं से भी अरेंज करके दूँगा। मेरे भाई का भी 12th क्लियर हुआ है और उसको आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं ये साल ड्रॉप कर दूँगा दीदी तुम्हारे लिए। बड़ी
मुस्कान, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गाए। थैंक यू सर। और तुम्हारा टोनल क्वालिटी का तो जवाब नहीं है, पता नहीं ईश्वर का कृपा है सारा। थैंक यू सर। एकदम तैयार फॉर प्लेबैक, मेरे को तो ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तुम देखो इतना टेंशन में थी तुम, लेकिन देखो कितना अच्छा हुआ, हुआ ना? आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी हैं आज? मैंने कोशिश करी सर। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप आंख बंद करके एक प्रार्थना कीजिए, लंबी प्रार्थना कीजिए, अपने माताजी और पिताजी को थैंक यू बोलिए, ठीक है? आंख बंद कीजिए। ओके। आप पे अभी इस वक्त एक दिव्य सी रोशनी आपको दिख रही है, देखिए देखिए देखिए, गोल्डन सा रंग का कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? हम सबको तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? सपने, सपने हमारी आंखों का चांद है, सपने हमारे दिल का सूरज है, सपने हमारे हौसलों की मशाल है। लेकिन क्या आज हम पूरे होंगे? हर सपने का बस आज यही सवाल है। मैं अपने आप को एक लेवल पे देखना चाहती हूँ जहाँ पे सब अपने जुबान पे मेरे गाने गाएं।
मेरा ये सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा रॉकस्टार बनूं। मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। चौथा जज अपना काम नहीं कर रहे, लोग सब नाच रहे गा रहे लेकिन जो काम है वो नहीं कर रहे। नहीं यार तू लोग क्या तेरा वो पॉकेट में सब रख के घूम रहे हैं। तो चौथे जज ने तो अभी तक रिजल्ट दिए नहीं है, तो कुछ और देर इंतजार के बाद हम आपको रिजल्ट देंगे। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही आवाज की जो टोन है वो केके की याद मुझे दिला रही है, लेकिन सुर केके के बिखरते नहीं थे, आपके सुर बहुत बिखरे हैं इसमें। ऑडियंस से भी आपको वो लिट वाला मामला हुआ नहीं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।